सारा खान जो है उनका नया जो म्यूजिक एल्बम है, वीडियो एल्बम, उसके लिए आप शुभकामनाएं देने के लिए आई हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? या बिल्कुल, आज सारा खान मेरी बेस्ट फ्रेंड है, माई डार्लिंग, माई स्वीट हार्ट, माई बडी, और आज उसके वीडियो का लॉन्च है और उसके वीडियो का नाम है ब्लैक हार्ट, एंड टुडे आई एम वेयरिंग अ ब्लैक कॉस्ट्यूम, यू नो, इसीलिए तुम्हारा इससे ज्यादा हॉट ब्लैक क्या हो सकता है, मेरा ध्यान भी वहीं जा रहा है एक्चुअली, मैं को रोक नहीं पा रहा हूं, आई डोंट नो व्हाई तुम्हारा इसके ईशान की नजर हार्ट पे जा रही है, पता नहीं कहां जा रही है, यू नॉटी, डोंट डू दिस। सो आई वांट टू से दैट के सारा ने सिंगिंग किया है इसमें, शी संग सो नाइसली, आई लव हर वॉइस and video is amazing, especially her looks, especially and it's looking international, ekdam international, yeah exactly, after so long ek video aisa india mein aaya jo bahut international dikh raha hai actual mein, Sara is looking amazing in the video and sung by Sara, to black heart jo jitne bhi log hain wo zarur dekhe bhi aur sune bhi, because aap ek pal mein aap judge na kare, because use gaana padta hai, use singing karna padta hai, sikhna padta hai, एंड उन्होंने पूरा फ्रॉम हर हार्ट इज रेड बट ब्लैक हार्ट किसे कहते हैं, मैं बताऊँ, ब्लैक हार्ट उसे कहते हैं जो पीछे से बिचिंग होती है, जो लोगों की ब्लैक हार्ट होते हैं, यू नो, जैसे आज मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ, बहुत ज़्यादा हॉट लग रही हूँ, अब कितने लोग मेरे पीछे बिचिंग कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड ब्लैक हार्ट, एग्जैक्टली। सो सारा का भी वीडियो ऐसा ही है, वेरी इंटरनेशनल, आई लव इट, डिड यू लाइक इट? ऑफ कोर्स, स्पेशली हर लुक, स्पेशली हर न्यूड लुक इन द कॉटन, वाओ, कॉटन में सारे पूरा न्यूड लुक, आई लव इट, बहुत आई वॉन्ट टू डू सारा, आई वॉन्ट टू डू कॉटन में, मैं भी एकदम न्यूड लुक करना चाहती हूँ। आप फूलों में करना है ना? किसमें? फूलों में। फूल तो मैं खुद हूँ, मैं कांटों में करूँगी। राखी, आपने भी काफ़ी सारे म्यूजिक वीडियोस किए हैं, म्यूजिक एल्बम्स में आप काम कर चुकी हैं, तो इस एल्बम के लिए क्या कुछ टिप्स वगैरह आपने सारा को दी? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि आई शुड गिव हर टिप्स, शी इज़ हर सेल्फ, शी इज़ ब्यूटिफुल, वेरी टैलेंटेड एंड वेरी इंटरनेशनल, हर वॉइस बिल्कुल इंडियन सिंगर नहीं लग रही है, एंड लुक वाइज, हर फेस वाइज, हर लुक्स वाइज, हर डांस वाइज, हर पोज वाइज, शी लुक्स इंटरनेशनल, हम तो इंडियन हैं, हम तो इंडिया में रहकर वर्ल्ड फेमस है। जहाँ तक अगर बात करें न्यूडिटी की, न्यूडिटी जो न्यूड पोज, न्यूड पोज है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सो दिस इज योर ब्लैक हार्ट, आपको न्यूड क्यों दिख रहा है? दिस इज कॉल योर ब्लैक हार्ट, यही है वो गाने का नाम, हमें क्यों नहीं दिख रहा न्यूडिटी, हमें करने के लिए उसको फॉरगेट अबाउट द गर्ल, बट शी इज लुकिंग, व्हाई डोंट यू, व्हाई कांट यू सी न्यूड, शी इज लुकिंग सो हॉट, शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल, इट्स नॉट मैटर ऑफ गर्ल, शी इज लुकिंग, अच्छा उसमें क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, हाफ उसका बॉडी दिख रहा है, शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, वेरी आर्टिस्टिक एक्चुअली, वेरी अट्रैक्टिव, या है ना, अट्रैक्टिव, वेरी आर्टिस्टिक, वेरी अट्रैक्टिव, शी शोड हरसेल्फ वेरी नाइसली इन द वीडियो, या काफी लोग इसका विरोध भी जताएंगे, उनको आप क्या संदेश जताएंगे? जताया तो नहीं ना, नहीं तो अभी तक वीडियो सामने भी नहीं आया है, ओके, तो कौन जताएगी? मुझे तो आप ही लग रहे हो जताने वाले, यू हैव अ ब्लैक हार्ट, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, कोई अगर जो भी उसके खिलाफ जाएंगे, सारा खान के खिलाफ, उसको मुझसे सामना करना पड़ेगा, मुझसे, रेड हार्ट से, जी हाँ, राखी सावंत से कोई भिड़ नहीं सकता, नो चांस, शी इज माई फ्रेंड एंड शी हैज डन अ हार्ड वर्क, हे सारा यार, ब्लैक हार्ट, She is the fantastic singer. I've told you about Black Heart. हम लोग बहुत तारीफ कर रहे थे. Very international voice you have and international video. Especially your looks. And Especially I like your looks. But I like your lyrics also. They ask me what is meaning of Black Heart. I say Black Heart वो होता है जो पीछे से bitching करते हैं. Am I right? Yes. Yeah. And another thing is आजकल लड़कियाँ भी लड़कियों को नहीं छोड़ती हैं. उनके कपड़ों को लेकर, उनके boyfriends को बदलने को लेकर, to everything they talk a lot. So एक लड़की को slut shame करने पर ये गाना है, जो मेरे personal experience है और मैंने अपनी ज़िंदगी पे बनाया है, जो कि हर लड़की को I think relate करेगा. So must hear the song. I want to say about Sara. She's a very hardworking girl, very nice girl, and the most amazing person is Rakhi Sawant. Yeah. Like she exactly. She doesn't have black heart. Another thing, she doesn't have jealousy, जो कि हर किसी में होती है. और ये इंसान अपनी दोस्तों की दोस्त है, दोस्तों के लिए
जान देती हैं दोस्तों को, चाहती हैं कि वो जितने अच्छे दिख सकते हैं उतने दिखे। और हर लड़की ऐसा नहीं करती, हर लड़की आगे बढ़ने पर बिल्कुल भी नहीं खड़ी होती। शी इज द वन जो दोस्तों की दोस्त है, दुश्मनों की दुश्मन है। तो बच के रहना, बच के रहना। यू कैन यू सिंग योर सॉन्ग प्लीज? यस या ओके सर। इट्स कहंदा ये जमाना मैनू बिगड़ा, मैनू पल पल जज करदा, मेरी रूह विच वसदी मोहब्बत ते मैनू ब्लैक हार्ट करके। वाओ, लाइक मेरे को, आई लव इट, आई लव योर लिरिक्स। यू नो आपने अब तक हिंदी सीरियल्स में काम किया, वेब सीरीज में काम किया, प्लस आपने पाकिस्तानी सीरियल्स में भी काम किया, क्या हम आपको मूवीज वगैरह में देख सकते हैं? देखिए मैं ये नहीं बोल सकती क्योंकि अभी तक मुझे मूवी का कोई ऑफर नहीं आया, तो लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह। आई होप दैट हर एक्टर का सपना होता है कि वो बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंचे, एंड आई डोंट वांट टू बी द वन हु विल से ओ मेरे पास ये ऑफर है वो ऑफर है, बट आई वांट टू से अक्षय, शाहरुख, सलमान, प्लीज साइन हर फॉर योर मूवी बिकॉज़ शी इज द बेस्ट। लुक एट दिस, यस, हु डज दैट, हु डज दैट फॉर एनीबॉडी, एस्पेशियली आफ्टर ब्लैक हार्ट। डूड, शी इज अ स्वीट हार्ट मैन, आई डोंट केयर। ओके, इफ शी डजंट डू व्हाट शी डज, शी विल नॉट बी हु शी इज। Oh, wow. Guys, she is the one who had guts to do whatever she did, and I love her. I truly love her. Thank you. Sir, किस तरीके की तैयारियाँ करनी पड़ी इस वीडियो एल्बम को? इस वीडियो एल्बम को बनाने के लिए पैसे की बहुत तैयारी करनी पड़ी क्योंकि खर्चा सारा मैंने किया है, तो पैसे की तैयारी बहुत करनी पड़ी। बाकी फैसल मियां फोटो वाले जो मेरे भाई हैं, इनका एक सवाल है, मुझे वो जवाब दो। कह रहे कि आपने हाफ वो कॉटन के अंदर हाफ न्यूड किया है, इसको अपोजिशन हो सकता है, तो मैंने कहा क्यों हो सकता है जी, व्हाई, आपकी नजर कहीं और क्यों जाती है? जस्ट बिकॉज मुसलमान कम्युनिटी में ये कहा जाता है कि लड़कियों को पर्दा करना चाहिए, तो मुसलमान कम्युनिटी में ये क्यों नहीं कहा जाता कि लड़कों को आंखों में पर्दा कर देना चाहिए और लड़कियों को खुला में घूमना चाहिए? Why not? Very true. So I'm so sorry to say that. आपने पर्दा किया है कॉटन से? I am कॉटन से पर्दा किया है। I am Muslim myself, and मेरी सिर्फ एक ही कंप्लेन है towards those people जो खड़े हो जाते हैं बुरखा बुरखा बुरखा। अरे शर्म करो तुम लोग पहले अपनी आंखों पे कि तुम वो चीज क्यों देख रहे हो। तुम्हें पर्दा करना चाहिए, हम क्यों पर्दा करें? वुमेन, हम लोगों की इज्जत सबसे ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि हमने ही तुम्हें पैदा किया है, वरना तुम आते कहाँ से साले? और अब मैं सारे बुरके आदमियों को पहनाऊंगी मैं। एग्जैक्टली, आंखों पे, आंखों पे सालों को अंधा कर दो। ओह माय गॉड, नथिंग। मैं द ग्रेट खली जी के रेसलिंग में मैं गई थी, मैंने बहुत इन्जॉय किया पंजाब में, बहुत मज़ा आया। बस सिर्फ मेरा वो, उन्होंने इंग्लिश में बोला था एक रेसलर ने, रेबल ने, कि इज देर इज इन इंडिया एनी वन हु कैन चैलेंज मी, हु कैन कम इन द रिंग, एंड मैं ये भूल गई उसने पिटाई के बारे में नहीं बोला था। आई थॉट उसने कहा था कि डांस करने के लिए, सो यू नो, मगर सोचे समझे मैं रिंग में चले गए, मैं आके डांस वांस किया और मुझे पता ही नहीं चला है उसने मुझे सारा कब उठा लिया कब पटक दिया। आई डिडंट नो दैट। और जब मुझे चोट लगी मैं होश में आई तब मैं पता नहीं कहाँ थी। और जब मैं होश में आई तो पूरी दुनिया मुझे गालियां दे रही थी कि तुम रिंग में गई क्यों। इवन आस्किंग, आई एम आस्किंग माय सेल्फ कि मैं रिंग में गई क्यों। मेरी किस्मत मत मारी गई थी, बट एक्चुअली व्हाटएवर इट इज, मैंने चैलेंज तो लिया, एक्सेप्टेड, और नेक्स्ट टाइम जब मैं दोबारा शो में जाऊंगी सो आई विल टेक रिवेंज, आई मीन मैं रेबेल को पटक दूंगी। नो कमेंट्स ऑन दिस, सॉरी। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट हर ब्लैक हार्ट। क्यों नहीं करेंगी? हेलो, ये क्वेश्चन भी मत पूछो। ऑफ कोर्स मुझे इनसे पूछने की जरूरत नहीं। बाय द वे, आई एम मेकिंग अ सॉन्ग ऑन हर, शी विल बी फीचर्ड इन दैट, एंड आई एम प्रोड्यूसिंग माय सेल्फ दैट सॉन्ग। बस आप कर लीजिएगा प्लीज। अरे मेरी जान, मैं एक टांग पे खड़ी हूँ, देखो मेरे टांग पे कैमरा डालो। ऑन टांग, वन टांग, एक टांग पे खड़ी हूँ करने के। आई लव दिस वुमन मैन।
राखी मैम अनुप जोड़ों से जब पूछा गया कि राखी सावंत के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे तो वो किस तरह से बोले कि कौन है राखी सावंत, मैं किसी राखी को नहीं जानता। कौन, किसने बोला ये? अनुप जलोटा ने। एक सेकंड, अनुप जलोटा ने ही बोला था राखी सावंत भी अगर आएगी तो मैं उसको भी सिखाऊंगा। और अनुप जलोटा अगर अब ये बोल रहे हैं तो सॉरी अनुप जलोटा जी, आपको थोड़ी सी अपनी याददाश्त पे काम करना पड़ेगा। व्हाट्स रॉन्ग विद योर जल, योर लोटा इज वन इंसिडेंट। I was in London shooting for something and there they because the camera was there, so they thought that I'm an actor, so they said, oh, you're an actor. I said, yeah. They were like, from where? I was like, from India. They're like, oh wow, we know only two people from India. I was like, great, who all are they? They said Amitabh Bachchan and Rakhi Sawant. Oh my god. Oh. Wow. I was in London. I'm talking about a localite of London. A shopkeeper said respect this to me. Respect me. So jo bhi karke Rakhi Sawant ka naam hua hai. Guts se usme jo usne apna naam banaya hai. Naam kya hai? And I respect that. And everybody knows Rakhi Sawant in India. Nobody can say that I don't know Rakhi Sawant. Wow. I'm really sorry for that. Thank you. And I do respect Anup Jalota ji. So Anup Jalota ji, I just want to say, you don't know me, तो आपको दुनिया में कुछ नहीं पता। I'm sorry. वो आप भूल गए। आप भूल गए कि आप मुझे म्यूजिक सिखाना चाहते थे, आप मेरे साथ डेटिंग करना चाहते थे। ये तो मैंने भी देखा है, मैं बिग बॉस फॉलो नहीं कर रही हूँ अनुप जलोटा जी का, लेकिन मैंने उनका एक इंटरव्यू क्योंकि ट्रेंडिंग पे था तो आई जस्ट क्लिक्ड ऑन इट, और वहाँ उन्होंने बोला था, भाई मैं तो एक ऐसा आदमी हूँ जो कि सबको संगीत सिखाऊं, अगर राखी सावंत भी मेरे पास आएगी तो मैं सिखा दूंगा। अभी राखी सावंत तो कैसे नहीं जानते, ये तो अनुप जलोटा जी जो राखी सावंत को संगीत नहीं सिखाना चाहते, उसके साथ शावर लेना चाहते है। एंड आई एम नॉट शावर अली अंदर है, शावर अली अंदर है। ओह माय गॉड, कुछ ज्यादा हो गया। बाय 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 बाय। ओके गाइस, थैंक यू। बाय बाय बाय। फाइनली ओके। जब ये आपको ये वाक्य हुआ तो काफी लोगों ने ये कहा था कि राखी नाटक कर रही है, राखी ढोंगी है, उनके लिए क्या कहना आपका? नो डेफिनेटली नॉट, मैं पटकी गई, मेरी कमर में चोट आई, फिर भी अगर लोगों को ऐसा लगता है तो सॉरी आई कांट हेल्प। ऐसा लगता है सी, वो शो हम लोग भी एक साथ कर चुके हैं, अगर वैसा वो नाटक होता तो पहले क्यों नहीं हुआ? देखिए राखी सावंत को एट दिस मोमेंट ये नाटक करने की जरूरत नहीं है फेमस होने के लिए। नहीं नहीं, वो ऑलरेडी इतनी फेमस है, उसको टांग तोड़ के फेमस होने की जरूरत नहीं है। यस बिल्कुल बिल्कुल, आई डोंट डू कॉन्ट्रोवर्सी, आई नेवर डू कॉन्ट्रोवर्सी। I don't do. टॉप थ्री में आई फील शिशांत, शिशांत, श्रीशांत, सृष्टि, आई फील दीपिका, दीपिका, दे आर रियली स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स। ओके, या जसलीन भी बहुत अच्छा कर रही है। जसलीन का आई कांट से दैट वो टॉप फाइनल्स में जा सकती है, बट शी इज हॉट, बट शी इज हॉट, या शी इज ग्रेट, शी इज वेरी हॉट, ग्रेट सिंगर, ग्रेट सिंगर, या थैंक यू। ऐसे और बॉलीवुड के अपडेट्स के लिए देखते रहिए चिलैक्स।